ओम नमः भगवते श्री पुरुषोत्तमाय बागार्थं विवसंप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। दिव्य आत्मन विश्वासर दिव्यवाणी अगणा को स्वागत जनेला बळे सुंदर शब्द टीए एमती शब्द जहाँ हुए तो ओडिया भाषार एक कष्ट शब्द क्लिष्ट शब्द किंतु मनीष जीवन प्रत्येक पर्याय प्रत्येक समय रे ये शब्दटी अनुकरणीय ये शब्द को छाड़देले मनीष जीवन हुए तो स्थिति बिगड़ी जापे शब्दी हूँ स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ एमती एक शब्द जहाँ अर्थ बुझा को गला बेले आम हुए तो कही था स्थित प्रज्ञ कहिले धैर्यवान भी हो पाए अर्थ आउ स्थित प्रज्ञ कहिले मध्य संसार रो जो माया मोह बंधन अच्छी ये सब माया मोह बंधन रो जे ऊर्धरे थाए ताकू कहते स्थित प्रज्ञ जहाँ को माया स्पर्श कर न थाए जहाँ हृदय सदा सर्वदा अनाबिल हृदय जोठी हृदय आबिलता न थाए हृदय कौन सी प्रकार संसार जनित पाप से हृदय को स्पर्श कर न थाए से भाया लोक को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाए। तेरे पुराण पृष्ठारे स्थित प्रज्ञर उदाहरण खोजिले हुए तो गोटे जोड़िए उदाहरण मिल पाए एपरिकी श्रीमद भागवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण निजे खोजी खोजिकी गोटे उत्तर पाई कही कौन ना राजश्री जनकादय जनक भली बा जनक मानक परी जनकंक परी एही भली भावरे उत्तर देइथिले किंतु जनकंक परे आउ गोटे जोड़िए ना कही नथिले से जहाँ भी हो यही जो स्थित प्रज्ञ कथा को बुझेबापाई स्थित प्रज्ञ गुण आम पाखे केमिति अवलम्बनीय ताको बुझेबापाई सुनाउछि गोटे कहानी। ये कहानी आरंभ एठू श्रीमद भागवतर रचयिता होछन्ति किए ना स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास व्यासदेवजी महाराज जेतेबेले श्रीमद भागवत रचना करि सारले ये श्रीमद भागवतर प्रचार प्रसार पाई गोटे पुत्र संतान कामना कले आउ से पुत्र संतान होकर पाखक आसिले किए ना श्रील सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जेतेबेले आसिक उपस्थित हेले से आउ छोटिया पिला होकर आसी नथिले ये एक अद्भुत जन्मवृत्तांत सीधा सड़क भाव में बार तेर वर्षर बालक आउ से बालक बापा को बापा डाकिलानी पिता को पिता ज्ञान कलानी कि माता को माता ज्ञान मध्य कलानी सीधा सड़क आसिले संसार को सीधा सड़क चलिले जंगल को कहीं ये होंगे संसार रहित विरक्त सन्यासी यांका पाखरे वैराग्य ही वैराग्य यांका पाखरे संसार पर माया ना मोह ना बंधन ना आज जिते बड़े चलिक जाऊते से व्यासदेव हूँ तो चिंता करते कह जी ये पिलाटा को आनी संसार गोटे विराट विशाल ग्रंथ शब्दब्रह्म भाया ग्रंथ श्रीमद भागवत प्रचार प्रसार पर जदि ये चली जाए तेब ये ग्रंथर प्रचार प्रसार हम कमी यही चिंता चेतना भितर व्यास थिलाबले हुए तो पछे पछे पुत्र ज्ञान रे गोड़ेकरी जाइथिले व्यास गला बेले अनेक घटना घटीला से गोटे घटना आपण मान सम्मुखें कहूँ गोटे सरोवर पुष्करिणी टीए पोखरी टीए आउ से गाधोले स्नान करुले देवकन्या माने आउ से देवकन्या माने हुए तो निजर शरीर वस्त्र जी दरकार वस्त्र से वस्त्र पिंधि नथिले अल्प वस्त्र परिहिता थिले कहीं स्नान करुले जौवन प्रस्फुटित होकर देखा जाऊला आउ से स्नान करुवा तरुणी माने सुखदेव जिते से बाट देकर गले पादस्पर्श कर मुंडिया मारे आउ सुखदेव आलिंगन कले ठीक सुखदेव पछे पछे पुत्र ज्ञान में जाऊले किए ना पिता व्यासदेव जिते तरुणी माने व्यासदेव को देखिले सांगे सांगे जा जल भितर बुड़े कहीं से वस्त्र बहुत अल्प वस्त्र थिला आउ जौवन प्रस्फुटित होकर देखा जाऊला काले व्यासदेव देखीदेवे से हिसाब से बुड़गले व्यासदेव पचारे कहले मोर गोटे संशय मोचन कर मो पुओटा बार तेर वर्षर जुवक ताकू आसिल मुंडिया मारल आलिंगन कल अथच मु हूँ वृद्ध व्यक्ति मो पाखक आसिक तुम्हें देखिक लुचिक जा भितर बुड़ल देवकन्या मैंने हाथ जोड़ी कहले कह हे कृष्ण द्वैपायन व्यास आपण जदि अभिशाप नदे रोष न करेंगे राग न करेंगे क्रोध रारिधारा बरसी नदे
तेबे हुए तो आमे उत्तर कहिबो। उत्तर जब व्यास पचारे कहले मु तुम उपर राग करी क्रोध करी अभिशाप देवी कह कहले शुणतु जी आगे जाऊले देह ज्ञान बोल कि ना संसार माया मोह बंधन स्पर्श करनी आउंट वैरागी पुरुष से आम जब आलींगन कलु से हूत देह ज्ञान ना हेतु आम आलींगनटा को केवल स्पर्श बोल ग्रहण कले तेणु से आलींगन विकार ना कि आपण आम को आपण पुरुष आम को स्त्री ज्ञान में ज्ञान करते तेणु से आम हूत जल लुचिलु से दिन एक सरीगला परवर्ती पर्यायर से ही सुखदेव को ये व्यासदेव पठेले गुरुकूल आश्रम को कौटि की ना जनकों पाखक जाइले किए ना सुखदेव जनकों पाखे शिक्षा ग्रहण कला बेले थे जनकों राजबाटे निआ लगला आमती निआ लगला जे से दाबानल चारिआड़े परिव्याप्त होगा लगला राजबाटी बहुत किसी क्षति घटेला अनेक जिनस पोड़गला आ पोड़ जा जिनस गुड़ाक देखला बेले सुखदेव जो देखुं प्रचंड भाव प्रचंड तेज को विस्तार करी जातवेद हुतासन अग्नि निआ व्यापार लगी सुखदेव निजर जी संबल था गोटे कौपिन गोटे ढाल कमंडलुटे आजर आसन आ खंडे बसन यू भारी संभाक व्यग्रमना होगले उद्विग्नमना होगले दूर थी जनक एक देखुले देखी देखी जनक पचारे कहले सुक मोर राजबाटी पड़गला अनेक मूल्यवान जिनस पड़गला हे तो तार क्षति भरणा करवा भारी कष्ट मुपाई व्यतीव्यस्त होनी मुपाई व्यग्र होनी मुपाई उद्विग्न बना है अथच तुम्हें गोटे कमंडल गोटे कौपिन आ गोटे खंडे वस्त्र खंडे आसन ये उद्विग्न बना ये उद्विग्न बना सुखदेव प्रकृतिस्थ हेले कहले प्रकृतरे ये संसार रे जे स्थित प्रज्ञ ये संसार रे जे धैर्यवान ये संसार रा माया मोह बंधन जहाँ को स्पर्श करनी प्रकृतरे से ही हूँ संसार विजयी वैरागी सन्यासी तेणु हे आत्मन ये कथा कहिबार अर्थ हूँ या आम भितर आम जो जीवनचर्यार गुण विषय आलोचना करू थाई स्थित प्रज्ञ हबा बा धैर्यवान हबा बा संसार रे जो माया मोह बंधन आसक्ति थारु संभवतः निजक दूरे रखिबा ये गोटे कष्टलब्ध कार्य होते भी ये संसार रे बंचिबा को हेले आमको ये कार्य करिबा को पड़िबो काहे के करिबा को पड़िबो ना जदि आमे ये संसार रे माया मोह आ बंधन प्रति बेसी दूर आसक्ति हो जिबा बेसी दूर आसक्त हो जिबा हे गले कोन हबो ना सबबेले आमको केवल से संसार चिंता ही लागिबो आमे सब से संसार चिंतार घारी है ये मनीष जीवन को असार करदे तेणु से संसार रे दिने समस्ते आसी फेरी जिबे कौनसी वस्तु ये चिरस्थायी नुहे सब क्षणस्थायी हुए तो आमे लोभरे पड़िकी मो जमी मो घर मो टंका मो पैसा मो सुना गहना मो स्त्री मो पिला छुआ मो पितामाता यही सब ज्ञान रे आमे हुए तो निजकु गौण करदे किंतु जदि ये सुखदेव भि जनक राजर्षिंग पर स्थित प्रज्ञ हो पारे आथित प्रज्ञर वाक्य को स्थित प्रज्ञर कार्य को निज कर्म प्रतिपादन करें तेब ये संसार रे आप महापुरुष प्राज्ञता लाभ करेंगे ये संसार मायामोह विजयी हो पारे ये हे तो एक विराट कार्य होता बेले एक कष्ट काम होता बेले किंतु आपको साधन करने को पड़ो स्थित प्रज्ञता एमती गोटाए गुण या को बिना साधन हुए तो प्राप्त करी हुए से दिन व्यासदेव भाया लोक केते बड़ ज्ञानी जी अष्टादश पुराण रचना कर देखु अठर पुराण रचना कर व्यासदेव जहाँ को भगवान सहित तुलना करा जाए श्रीमद भगवत गीतार स्वयं व्यासदेव वर्णना करने को गला बेले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुम्बे ये व्यास जीए विष्णु सीए ये व्यास जीए ब्रह्मा सीए ये व्यास जीए महेश्वर सीए ये त्रिदेवता ये तीन देवतांकर स्वयं स्वरूप रूप होचंती व्यासदेव तथापि व्यासदेव पुत्र मोहरे पड़ी भ्रमरे पड़ी जाइथिले व्यासदेव भलिया लोकों पर दिन देवकन्या माने बाट शिखेबा पाई
ବାଟ ଶିଖେଇବାପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବାପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ତରଟାଏ ଦେଇଦେଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ଏଇ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କଲାବେଳେ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସଂସାରର କଥା, ଏଇ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତାର କଥା। ସେଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସ, ଆପଣ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦୁନିଆରେ ପୁତ୍ର, କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର, କିଏ କାହାର ପିତା, କିଏ କାହାର ମାତା, ଆଉ କିଏ କାହାର ସନ୍ତାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ, ହୁଏତ ଆବୃତ ଜନିରେ ଆମର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ବା ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ହେଇଛୁ, ଏଥିରେ ଆମ ଫଳ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମ ଡାଳ ଉପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆମର ଜୀବନ ସତ୍ତା ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଗଛଟି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି ତା ଉପରେ ବି ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଧିକାର କାହାରି ଉପରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରାଜିତ ହେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମର କର୍ମର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନରେ ଏ ଯେଉଁ ମାୟାର ସଂସାର ଅଛି, ଏ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଆସକ୍ତ ହେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଗୁଣ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ଗୁଣକୁ ମଣିଷ ଧାରଣ କଲେ ସେ ହୁଏତ କାଳଜୟୀ ହୁଏ, କାଳଜୟୀ ହୁଏ, ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମନ୍, ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ଏମିତି ଏକ ଭାବ, ଏଇ ଭାବର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯଦି ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କାଳ କାଳ ଧରି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମନେ ରଖିବ ତା ନାଁକୁ, ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ବିଜୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେଇ ଭାବାର୍ଣ୍ଣ ବାରିଧି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଯଜ୍ଞର କଥା ଚାଲିଛି ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ବାଣୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ, ସେ ବାଣୀର ଆଜି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ଗୁଣକୁ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଶା ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ଏଇଠୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ।